Hey guys, I am Krishnendu from KTech. Today I am going to unboxing the Redmi Note 5 Pro, which I bought from South City in my home Kolkata. So let's start the unboxing. So guys, this is the Redmi Note 5 Pro. You can see the box. और बॉक्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक 4GB 64GB है। यहाँ पर कुछ डिटेल भी दिया है फ़ोन का, स्क्रीन क्या है, कैमरा क्या है, बैटरी क्या है और प्रोसेसर क्या है। ये स्नैपड्रैगन 636 में चलता है, 4000mAh का बैटरी है इसका, फुल HD प्लस डिस्प्ले है और 12+5MP रियर कैमरा एंड 20MP फ्रंट कैमरा। सो अब बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स खोलते ही आपको दिखाई देगा हैंडसेट, उसको साइड में बूट करने के लिए रख देते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा ये एक अलग सा बॉक्स है। इस बॉक्स को हम देखेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा फ़ोन का साथ दिया हुआ जेली कवर, जो प्रीमियम क्वालिटी का है। कंपनी बोल रहे थे कि इसका प्राइस कम से कम 250 रुपया होगा। इसके अलावा हम लोग को मिल जाते हैं कुछ बुकलेट्स। इसके अलावा हम लोग को मिल जाता है एक चार्जर। ये कोई हाई पावर चार्जर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये 5V 2A का चार्जर है। तो अगर आप लोग Redmi Note 5 Pro को हाई पावर मतलब फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक हाई पावर चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को मिल जाता है ये माइक्रो USB और एक सिम इजेक्टर पिन। बस यही सब हो रहा है होता है बॉक्स में। सो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन को बूट अप कर लिया है, अब देख सकते हैं। और 1.6GB का अपडेट भी मैंने कर दिया है, तो फेस अनलॉक भी आ चुका है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। तो हम अभी आप लोगों को फ़ोन का एक ओवरव्यू दे देते हैं। ये आपका 5.99 इंची FHD प्लस मतलब फुल HD प्लस स्क्रीन। एकदम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक 20MP का फ्रंट कैमरा विथ सेल्फी प्लस दिखाई दे रहा है। बैक में आपको आईफोन 10 जैसा 12MP प्लस 5MP का रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल है, माइक्रो USB पोर्ट है, एक ईयर माइक्रोफोन का पोर्ट है और 3.5mm जैक का पोर्ट है। ऊपर में है आयर ब्लास्टर और एक दूसरा माइक्रोफोन का जगह। राइट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा वॉल्यूम बटन और पावर बटन, और लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा सिम स्लॉट। इससे ज़्यादा एंटेना लाइन Redmi Note 4 Redmi Note 3 जैसा एक ही रहा है। और हाँ, मैंने ये डिवाइस एक ही दिन के अंदर ले लिया MI Home से। सो ये फ़ोन तो मेड इन चाइना ही मिला है हमको, लेकिन कंपनी ने बोला है कि बाद में जो फ़ोन आएगा वो सब मेड इन इंडिया होगा। तो फ़ोन को चालू करते हैं। फ़ोन को चालू करके थोड़ा सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स देख सकते हैं आप, कॉमन MIUI 9 जैसा ही है सब कुछ। डिस्प्ले सब कुछ एक ही है। यहाँ पर एक चीज़ जो फुल स्क्रीन वाला चीज़ है वो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ मिल जाएगा। इससे ज़्यादा बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट में जाए तो एक ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन मोड, जिसमें आप कोई भी ऐप सेट कर सकते हो जो 18:9 डिस्प्ले के साथ सेट हो सकता है। ये है फ़ोन का अबाउट फ़ोन, आप देख सकते हो ये 7.1.1 नॉकआउट में चल रहा है MIUI 9 में, और ये स्टेबल वर्जन है एकदम अपडेटेड। 4GB का रैम है, 64GB का इनबिल्ट, जिसके अंदर आपको 54GB तक फ्री मिल जाएगा। बाकी सब कुछ अलग Xiaomi Redmi डिवाइस जैसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, एक ही दिखता है आप देख सकते हैं। ये जो नेविगेशन बटन्स है वो सब स्क्रीन में है।
बाकी सब कुछ एक ही दिखता है। अब लोगों को थोड़ा कैमरा का इंटरफेस भी दिखा देते हैं। ये है कैमरा का इंटरफेस, जिसमें आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं बैक कैमरा से, बहुत अच्छा आता है। इससे ज़्यादा आप फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। जस्ट फ्रंट कैमरा में जाइए और ये फेस वाला बटन दबा दीजिए, बस हो जाएगा। फ्रंट में फ्लैश भी है, फ्रंट में ऑटो HDR भी है, लेकिन बैक का HDR मोड ऑटो नहीं है, बैक में नॉर्मल है। कैमरा का सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ एक ही दिखाई देगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है अलग रेडमी फ़ोन से। वीडियो में जाएंगे तो आप लोग को एक ही चीज़ दिखाई देगा, स्लो मोशन अवेलेबल है, टाइम लैप्स भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ रियर कैमरा के लिए। और हाँ, ऐसे फुल HD वीडियो ही खींच सकते हैं, कोई 4K अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी बोला है अपडेट में मिल भी सकता है। और हाँ, EIVS अवेलेबल है इस फोन में, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो आपको वीडियो को बहुत स्टेबिलाइज कर सकता है। फ्रंट कैमरा पे फुल HD वीडियो होता है और कुछ नहीं, और फ्लैश आप चालू कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में वीडियो खींचने के टाइम में। इससे ज़्यादा कुछ अभी के लिए तो नहीं है, बस हेलो गाइस। तो आप लोगों ने जस्ट अभी Redmi Note 5 Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा है। तो मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो अगर आप लोगों का मेरे वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जितना पड़े चाहे आप लोग शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, मतलब इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी कैसा है, कैमरे के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर गेमिंग के ऊपर रिव्यू का कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों को जैसा भी वीडियो चाहिए या फिर कोई क्वेरीज हो, मैं ज़रूर आंसर भी दूंगा और दूसरा वीडियो भी इस डिवाइस के ऊपर बनाऊंगा। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।